सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिव शूट आइडियाज इन फोटोग्राफी। स्पेशली जब आप फैशन फोटोग्राफी या मॉडलिंग फोटोग्राफी करते हैं तो इस तरह की जो आइडियाज हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं और आपको पता चलता है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी जो पिक्चर है वो कितनी क्रिएटिव निकल के आती है और आपके क्लाइंट्स को भी मज़ा आता है जब वो इस तरह की इमेजेस आपसे शूट करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे साथ है आज पीयूष एक बार और पीयूष का जो है आज हम एक हेडशॉट लेंगे। अब हेडशॉट जो है वो हम थोड़ा सा क्रिएटिवली उसमें एक जो है आज उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव एंगल ऐड करेंगे और वो क्रिएटिव एंगल है हमारा आज वाटर। तो हम जो है यूज़ करने वाले हैं पानी और पानी जो है हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर थ्रो करेंगे और देखेंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग इमेज हमें मिलती है। उसके बाद जो है मैं आपको स्टूडियो में लेके जाऊँगा, वहाँ भी हम दो और क्रिएटिव जो है आइडियाज़ अप्लाई करेंगे अपनी फोटोग्राफी में। तो सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब मैं जो है दो बच्चों को बुलाऊँगा यहाँ पे, आप आ जाओ बेटा आगे और एक और आ जाओ, आप आ जाओ आगे। अभी आपको क्या करना है ये देखो, यहाँ से पानी भर लो पहले मग में। अब इस शॉट में जो है सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जो है यहाँ पे वाटर को जो है फ्रीज करना है ताकि हमारा जो शॉट है काफ़ी अच्छा नज़र आए इन टर्म्स ऑफ फैशन फोटोग्राफी। और उसके लिए हमारा जो मैंने आज अपना कैमरा सेटिंग्स रखा है फ्रेंड्स, वो है कि मैं हाई शटर स्पीड पर शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू फ्रीज वाटर। और शटर स्पीड मैंने रखा है अभी 1600 अपने कैमरा में और ISO मैंने रखा है 200 क्योंकि अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है और मैं कोई भी एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट या ऑफ कैमरा फ्लैश या स्ट्रोब लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ आउटडोर में, बिल्कुल नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो मेरा जो अपर्चर रहेगा वो अभी हम देखेंगे कितना। तो ISO है 200, शटर स्पीड है करीब 1600 और मैं लेता हूँ अभी रीडिंग यहाँ पे और देखते हैं कि हमें अपर्चर कितना मिल रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं अभी रीडिंग लूँगा और ये देखिए यहाँ मुझे अपर्चर मिल रहा है करीब 2, तो 2 के आसपास मेरा 2 ऑलमोस्ट 2 अपर्चर है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे हम शूट करेंगे और जो पीछे का आप देखेंगे बैकग्राउंड वो कम्प्लीटली जो है ब्लर हो जाएगा। थ्रो। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पानी भी डाला लेकिन वो शॉट शायद हमें नहीं मिला है, तो थोड़ा सा एक बार और ट्राई करेंगे। इस तरह के शॉट्स में जो है आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है जब तक आपको एक परफेक्ट शॉट ना मिले। तो लेट्स टेक वन मोर शॉट और देखते हैं शायद इस बार हमें शॉट मिल जाए। थ्रो। चलो एक और लेंगे। थ्रो। एक और शॉट लेंगे पानी और थ्रो। थ्रो। तो देख रहे हैं बहुत ही शानदार हमें शॉट मिला है फ्रेंड्स और पानी जो है मेरे लेंस तक आया है थोड़ा। आई होप माई कैमरा इज सेफ। तो अभी हमें दो अच्छे से शॉट्स मिले हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता उससे भी हमें बेटर शॉट मिल जाए। तो चलिए एक और शॉट देखते हैं यहाँ पे, उम्मीद है इस बार और भी हमें अच्छा शॉट मिलेगा। सो यू नीड टू ट्राई कपल ऑफ टाइम्स टू गेट द परफेक्ट शॉट। थ्रो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें एकदम जो है ब्रिलियंट शॉट मिला है, अभी बहुत ही अच्छा शॉट मिला है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें कितने अच्छे जो है दो शॉट्स इसमें अचीव हुए हैं। सो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी हम इस तरह की फोटोग्राफी करें, क्रिएटिव आइडियाज आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो फैशन फोटोग्राफी है या आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं तो आप देखिए कितने क्रिएटिव इमेजेस आप उसमें क्रिएट करते हैं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टूडियो में चलेंगे, वहाँ हम थोड़े और दो आइडियाज लगाएंगे और आप देखेंगे कि आज हमारी 3 फाइनल इमेजेस हमें किस तरह से फाइनली मिलती हैं। अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स स्टूडियो में। अभी आपने देखा आउटडोर में हमने कितना क्रिएटिव एक शॉट लिया वाटर के साथ में। अब स्टूडियो में भी अगर आप थोड़े क्रिएटिव आइडियाज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो शूट में या किसी फैशन फोटोग्राफी वर्क में या किसी भी क्रिएटिव शूट के अंदर आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आइडियाज लगाने हैं और आपको जो इमेजेस हैं काफी अच्छे से आप क्रिएट कर पाएंगे। और ये जो पाइप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पाइप क्या है, बेसिकली जो वाइपर होता है कार में, ये वो पाइप है। तो 12-20 रुपए का ये पाइप आता है, आप भी खरीद सकते हैं। और इस पाइप को जो है हमने मॉडल के फेस पे लगाया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरह से, और हाथ में जो है मॉडल के एक बैंडेज हमने बांधी है, वहां हमने थोड़ी मिट्टी लगाई है और फेस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई है ताकि एक थोड़ा क्रिएटिव जो है थोड़ा सा हम डिफरेंट लुक क्रिएट कर सके मॉडल का। तो ये छोटे छोटे आइडियाज हैं जो आप अपनी स्टूडियो फोटोग्राफी में अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग इमेज आपको मिलेगी। सो बेसिकली इस शॉट के लिए हमने यूज किया थोड़ी गीली मिट्टी और एक बैंडेज और एक ये कार वाला जो है पानी का पाइप और हमने यूज किए हैं गॉगल्स। तो ये छोटा सा एक है और अब हम जो है एक हेडशॉट लेंगे इनका और देखेंगे क्या हमें हेडशॉट फाइनली अचीव होता है। सो देखते रहिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स इस शॉट के लिए जो मेरी कैमरा सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने रखा है ISO 100 स्टूडियो में अभी
और मैं शूट कर रहा हूँ 160 शटर स्पीड पे, और जो मेरा अपर्चर है वो है फ्रेंड्स अपर्चर F8। ये मैं ऑलरेडी जो है मीटर कर चुका हूँ, और मीटर पे मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं, ऊपर मैंने लगा दिया है, आप देख लेना वीडियो, तो इसलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया मेरे कैमरा सेटिंग्स भी। तो अब आप देख रहे हैं हम शूट के लिए तैयार हैं, और जो भी हमने अपनी प्रिपरेशन की थी उसके साथ हमारा जो मॉडल है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त लाइट के सामने खड़ा है। लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनली वन लाइट सोर्स, और मैंने आपको अपनी कैमरा सेटिंग्स बता दी हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं शॉट और देखते हैं कि ये क्रिएटिव शॉट हमें कैसे मिलता है। तो ये पिक्चर लेते हैं हम, सो देखते हैं स्क्रीन पे हमें कैसा पिक्चर मिला है। सो दिस इज अमेजिंग इमेज फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी इमेज हमें मिली है, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी आपके काफ़ी क्रिएटिव शॉट मिला है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐड करनी है और आप देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छे से, जस्ट मूव दिस साइड, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एक और शॉट लेते हैं हम फ्रेंड्स, और ये जो शॉट है फ्रेंड्स ये भी हमें काफ़ी अच्छा शॉट मिला है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे भी इस वक्त। ये मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए बताया, ऐसे हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम दो जनों ने मिलकर पूरी प्रिपरेशन किया, अगले दिन आपके पास अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि वो और भी अच्छे तरीके से जो है इस लुक को तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे लुक की तरफ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक है। तो अब ये जो है हमारा थर्ड लुक है आज पीयूष के साथ, और आप देख रहे हैं कि पीयूष को हमने कोई महंगी आउटफिट या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ नहीं डाली है। ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक की जो बोरी आती है जिसमें सामान वामान या कई बार सीमेंट टाइप भर के आता है, तो ये हमने बिल्कुल ये सड़क पे से, हमारे सामने जो नीचे सड़क है वहाँ से हम इसे उठा के लेके आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो ये एक छोटा सा क्रिएटिव आइडिया लगाया, देखते हैं इस पर हमें किस तरह के शॉट्स मिलते हैं पीयूष के। और ये हमने यहाँ से थोड़ा सा कैची से फाड़ के इनको इस तरह से जो है डाला है। अब पीयूष जो है इसको इसके साथ में थोड़ा सा प्ले करेगा, थोड़ा इसके साथ में जो है अपने लुक्स क्रिएट करेगा डिफरेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके, और देखते हैं हमें किस तरह के इस पे लुक्स मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड लुक फ्रेंड, और आप देखिए कि हमें इमेजेस कैसी मिलती हैं, इसके उम्मीद है इमेजेस हमें अच्छी मिलेंगी। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिव आइडियाज़ आप लगाते रहिए अपनी फोटोग्राफी में, और देखते रहिए कि आप कितने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं शॉट, और पीयूष यस वेरी नाइस चिन अप, या कम फ्रंट थोड़ा सा फॉरवर्ड, या वेरी नाइस गुड शॉट। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना इंटरेस्टिंग शॉट मिला, एक शॉट और हम लेते हैं, ब्यूटीफुल चेंज, यस या वन मोर, यस दिस इज वेरी नाइस पीयूष, होल्ड इट ब्यूटीफुल, या होल्ड इट ब्यूटीफुल शॉट, होल्ड इट वेरी नाइस। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितने इंटरेस्टिंग इमेजेस जो हमको मिल रही हैं अभी पीयूष की, और बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज की है ये शॉट क्रिएट करने के लिए। विल टेक वन मोर शॉट, चिन अप चिन अप चिन अप चिन अप, वन मोर चिन अप टुवर्ड्स लाइट, यस या लुक हियर, लुक इनटू द लेंस, या यूज योर फेस, यस चिन डाउन, थोड़ा सा ऊपर लो, या चिन अप, सो फ्रेंड्स ये कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, और ये है थर्ड इमेज हमारी, और ये है हमारी फोर्थ इमेज। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंटरेस्टिंग इमेजेस हमने क्रिएट की हैं, वो भी एक वाइट हमने हल्का सा जो है ये एक बुरी वाला कपड़ा बिल्कुल गंदा सा एक रफ हमें नीचे से मिला था, तो सोचा चलिए इसे हम अपने फोटोग्राफी के अंदर अपने फोटोशूट के किसी आइडिया में इसे यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन, उसे जल्दी से दबाइए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज होता है आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।